क्या हुआ सर? कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। क्या? वो देखिए। ये ट्री दिखाने के लिए आपने गाड़ी रोकी? ये सिर्फ एक ट्री नहीं है, विशिंग ट्री। लोग कहते हैं सच्चे दिल से इस पेड़ के नीचे कुछ मांगो ना तो सच हो जाता है। सच? एक काम करते हैं, हम लोग भी कुछ विश मांग लेते हैं, क्या ख्याल है पार्टनर? जी। चलिए विश मांगिए। लेकिन सर हमारे पास ना तो मन्नत के धागे और ना ही चिट है विश लिखने के लिए, तो फिर कैसे मांगे? मन्नत दिल से मांगी जाती है शालू जी, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे मन से मांगिए। ये विशिंग ट्री आपकी विश जरूर पूरी करेगा। हमारी माँ ने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दर्द में काटा है, हम चाहते हैं कि उनके जीवन में अब कोई दुख ना आए और हमारी बहनें बुलबुल, मुस्कान, प्रिया वो हमेशा खुश रहे। उन सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हमें बस शालू जी की खुशियां चाहिए, हम उनके लिए वो सब कर पाए जो उनके चेहरे पे मुस्कान बिखेरते। हम चाहते हैं हम जिंदगी भर तक उनकी खुशियों का ख्याल रखें, और ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो हमारे बिजनेस पार्टनर ही नहीं लाइफ पार्टनर भी बन जाए। आपको तो पता है ना हम उन्हें कितना चाहते हैं। माँ ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, वो सारी चीजें जिन पर उनका हक है उन्हें वापस मिल जाए। विशेष जी, विशेष जी कहाँ चले गए आप? विशेष जी कहाँ हैं आप? लीजिए, आ गए हम। थे आप? आपको पता है ना मैं अकेले डर लगता है। आ तो गए। कहाँ चले गए थे? हम परेशान हो रहे थे। परेशान? क्यों? अरे तो आप ऐसे अकेले छोड़ के जाएंगे तो परेशान तो होंगे ना। कहीं आप हमें मिस तो नहीं कर रही थी? अब मिस? हम क्यों मिस करेंगे आपको? वो तो हम अकेले थे तो इसलिए परेशान हो रहे थे। वैसे आप गए कहाँ थे? चलिए अब, नहीं तो लेट हो जाएंगे। के लिए ये लेने गए थे। ये? सालू जी, हम जो आपसे कहने जा रहे हैं ना वो बात काफी वक्त से हमारे दिल में, लेकिन कभी हिम्मत जुटा नहीं पाए। आज बड़ी मेहनत से हिम्मत जुटाई, क्योंकि अभी भी चुप रह जाना सही नहीं होगा। हम हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, जागी आंखें हों या सोई आंखें, हमको हर जगह सिर्फ आप ही दिखाई देती।
प्लीज शालू जी, अब हमारे सपनों से निकलकर हमारी हकीकत बन जाइए। आप समझ रही हैं ना कि हम क्या कहना चाहते हैं? अब हमें बहुत घबराहट हो रही है शालू जी, प्लीज प्लीज कुछ तो कहिए। ठीक है, हम सीधा सीधा कह देते हैं, हमें आप मैं आपसे प्यार हो गया है शालू जी, और हम जिंदगी भर तक आपका हाथ थामे रखना चाहते हैं। शालू जी, हम जानते हैं कि ये सब ऐसा सुनने के बाद आपको शॉक लगा होगा, लेकिन ये हमारे दिल की फीलिंग्स है शालू जी, और बड़ी हिम्मत लगी है ये सब कहने में। अब आपका जो भी फैसला होगा ना शालू जी, हमें सब मंजूर है, लेकिन प्लीज प्लीज कुछ तो कहिए। आई लव यू शालू जी। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपने कभी भी हमारे लिए कुछ फील नहीं किया? शरद, कुछ तो कहिए। हाँ।